नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डी के 106 आईसी के बारे में। डी के 106 जो आईसी है, ये एसी टू डीसी कन्वर्टर प्लस रेगुलेटर आईसी होती है, जो कि काफ़ी पावर सेक्शन के अंदर यूज़ की जाती है। ज़्यादातर ये इंडक्शन जो हमारा होता है उसके अंदर भी यूज़ की जाती है, पावर सेक्शन के अंदर भी यूज की जाती है। डी के 106 आईसी जो कि एक 8 पिन की डिप आईसी होती है, उसके बारे में करेंगे। तो बेसिकली ये 8 पिन की आईसी आती है। पिन नंबर 1 ये है, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4। बिल्कुल पिन नंबर 4 के सामने जो पिन नंबर 5, 6, 7 और 8, इस तरह यानी इस आईसी की पिन डिटेल बनी होती है। लेकिन इस आईसी के ऊपर पिन नंबर 1 का जो है डायग्राम या कोई सिंबल या कोई निशान नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर ये कट का निशान आप ऊपर की साइड रखते हो, टॉप की साइड यानी ऊपर की साइड अगर इसको आप रखते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड जो ऊपर वाली पिन होगी वो पिन नंबर 1 होगी। तो इस तरह इस आईसी की पिन नंबर 1 पहचानने का मैसेज है, मेथड है, यानी इससे आप पिन नंबर 1 की पहचान कर सकते हो। तो डी के 106 आईसी है, इसके बारे में करेंगे। इसकी वर्किंग टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, सर्किट के अंदर इसको किस तरह लगाया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। डी के 106 आईसी जो कि 8 पिन की एक डिप आईसी होती है, एसी टू डीसी कंट्रोलर विद रेगुलेटर आईसी होती है ये। तो सबसे पहले इस आईसी की जो पिन डिटेल है वो किस तरह होगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस आईसी की जो पिन किस तरह बनी हुई है आप देख सकते हैं। तो पिन नंबर 1 है जो टेस्टिंग की पिन होती है, पिन नंबर 2 GND, पिन नंबर 3 फीडबैक की, पिन नंबर 4 VCC की पिन है, पिन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये है कलेक्टर की पिन। यानी इस आईसी के अंदर एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है, जिसको जो कलेक्टर पॉइंट है वो सभी पिन के साथ जोड़ा गया है, और अमीटर को जो है ग्राउंड किया गया है इस पिन के साथ। और बेस जो बेस के ऊपर जो इसके ऊपर वोल्ट आएंगे, वो इंटरनल तौर पे एक सर्किट बना होता है जो कि ड्राइवर सेक्शन बना होता है, उसके द्वारा इसके ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं। तो ये है इस आईसी की पिन डिटेल, आप बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह बनाई गई है पिन डिटेल। तो बेसिकली जो इसकी जो टेस्टिंग पिन है, ये सर्किट के अंदर बहुत ही कम यूज की जाती है। तो बाकी जो पिन है, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये सभी पिन सर्किट के अंदर यूज की जाती है। तो ये तो है इस आईसी की पिन डिटेल। अब बात करेंगे इस सर्किट के बारे में, ये आईसी किस तरह काम करती है, इसके कुछ फीचर क्या कुछ है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये इनपुट जो सप्लाई है, ये 85 वोल्ट से लेकर 265 वोल्ट तक, यानी 85 वोल्ट से लेकर 265 वोल्ट तक आप एसी सप्लाई इनपुट के रूप में इस आईसी को दे सकते हैं। और उसके बाद जो इंटरनल तौर पे एक ट्रांजिस्टर जो लगाता है, BJT जो ट्रांजिस्टर लगाता है इसके अंदर, और MOS सिस्टम डिजिटल सर्किट डिजाइन इसके अंदर, जो ई क्लास है BJT ड्राइवर वो इसके अंदर इनबिल्ड है, जो कि हाई रेजिस्टेंस कैपेसिटी के साथ आता है हमारे पास। और उसके बाद जो इस आईसी का जो इंटरनल सेक्शन आप देख सकते हैं, ओवर वोल्ट करंट, ओवर लोड करंट, ओवर टेम्परेचर, ओवर वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट के लिए, आउटपुट शॉर्ट सर्किट के लिए इसके अंदर इंटरनल तौर पे सिस्टम बना होता है, और शॉर्ट सर्किट के लिए ऑप्टो कपलर आईसी का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारी जो ऑप्टो कपलर आईसी होती है 817 आईसी, वो इसके अंदर यूज की जाती है। लेकिन इंटरनल तौर पे इस आईसी के अंदर ओवर वोल्ट करंट, ओवर लोड, ओवर टेम्परेचर और ओवर वोल्टेज का इंटरनल तौर पे इसके अंदर सर्किट बनाया जाता है, ताकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे मान के चलो करंट ज़्यादा हो गया है या ओवर वोल्ट हो गया है, ओवर टेम्परेचर हो गया, ओवर लोड हो गया, उस समय में ये आईसी ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती है, जिससे हमारा आउटपुट बंद हो जाता है। तो ये इंटरनल फीचर है इस आईसी के। अब बात करेंगे उसके बाद, ये इंटरनल PWM सिस्टम इंटरनल तौर पे बनाया जाता है, क्योंकि जब भी किसी पावर सेक्शन के अंदर जो भी आईसी यूज की जाती है, उसके अंदर PWM सेक्शन यानी ओसिलेटर सेक्शन का प्रयोग किया ही जाता है, ठीक है जी। और ये इसकी वाटेज कैपेसिटी 0.3 वाटेज की, जो इंटरनल प्रोसेस सिस्टम है यानी फ्रिक्वेंसी सिस्टम है वो 0.3 वाटेज के अंदर आता है।
और ये 4K का एंटी स्टेट EST टेस्ट सिस्टम ये जनरेट कर सकती है, यानी इसकी जो टेस्टिंग पिन है इसको भी अगर यूज करोगे तो ये 4KVA का एंटी स्टेटस सिस्टम जनरेट कर सकती है, और उसके हिसाब से काम करवा सकते हैं इस आईसी से। और इसके आईसी के अंदर और भी काफी फीचर हैं, शट डाउन फीचर मैंने आपको बता दिया, ओसिलेटर सिस्टम इंटरनल तौर पर बनाया गया है, ओवर वोल्ट करंट सिस्टम है, ओवर लोड है, ओवर टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स जब भी आईसी ओवर हीट होती है किसी सेक्शन के आउटपुट के बाद, जैसे ये आउटपुट के अंदर कोई भी वोल्ट आउटपुट कर रही है, जब भी आईसी ओवर हीट होगी उस समय तो ये आईसी जो है ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती है। तो ये इसके अंदर इंटरनल तौर पे ये सर्किट बनाए गए हैं कुछ आईसी के, यानी प्रोटेक्शन के लिए, तो ये इंटरनल सिस्टम बने हुए हैं। तो अब बात करते हैं इसके, जो इस आईसी को आप किस किस जगह पे यूज कर सकते हैं, किस जगह पे आप इसको आईसी को लगा सकते हैं, और कौन कौन से सेक्शन में ये आईसी लगी होती है। डीवीडी प्लेयर और वीसीडी जो होती है पावर सप्लाई, उसके अंदर इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। एसी डीसी अडाप्टर जो हमारा होता है उसके अंदर भी इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। कोई आपने घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन जो बनाए हैं, डिवाइसेस बनाए हैं, उसके अंदर भी इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। एयर कंडीशन सप्लाई के अंदर इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। एसटीबी पावर सप्लाई जो होती है उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। एसीडीसी एलईडी ड्राइवर जो होता है उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। और चार्जिंग जो हमारे है फोन है, सॉरी चार्जिंग अडाप्टर जो होते हैं जो आईफोन वगैरह के हैं या आईपैड के हैं, जो चार्जर सेक्शन उसके अंदर भी इसी आईसी का प्रयोग किया जाता है। बैटरी चार्जर के लिए इस आईसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये काफी सेक्शन के अंदर यूज की जाती है, जो हमारे पावर सेक्शन के जितने भी अप्लाइंस हैं उसके अंदर DK106 IC का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो है इस आईसी का जो है अप्लाई, जो किस किस सर्किट के अंदर यूज किया जाता है। अब बात करेंगे इस सर्किट को किस तरह यूज किया जाता है, किस तरह सर्किट के अंदर लगाया जाता है। ये आपके सामने एक सिंपल सा सर्किट बनाया गया है, मैं थोड़ा सा इस सर्किट को बड़ा कर देता हूँ। तो ये इस सर्किट के अंदर किस तरह बनाया गया ये देख सकते हैं आप। तो बेसिकली जो ये सर्किट है इसके अंदर जो DK106 IC लगाई गई है, DK106 IC लगाई गई ये देख सकते हैं आप। तो इस आईसी को किस तरह यूज किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आप आईसी देखते हैं, DK106 IC लगाई गई है। इसके अंदर जो कलेक्टर पॉइंट है वो सभी एक जो हमारा SM ट्रांसफार्मर होता है उसके साथ जुड़ गए हैं। जो हमारा SM ट्रांसफार्मर होता है जिसे हम फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर बोलते हैं, SM ट्रांसफार्मर बोलते हैं, क्योंकि एक दिखने में बहुत सी छोटा सा एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, तो उसके साथ इसके जो कलेक्टर पॉइंट है वो सभी उसी पिन के साथ जुड़ जाते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर है। बाकी जो हमारी टेस्टिंग पिन है उसको इनेबल यानी खाली रखा जाता है। और जो GND की पिन है ये आप देख सकते हैं किस तरह ग्राउंड की गई है। ये ग्राउंड, ये सिंबल जो बनाया गया है ये सेम और ये सेम सिंबल है, मीन्स ये इसके साथ अटैचमेंट है, ठीक है जी। और ये हमारी फीडबैक की पिन है, जो ऑप्टो कपलर आईसी है, 817 IC जो हमारी होती है ऑप्टो कपलर आईसी, जो कि फीडबैक का काम करती है, उसके साथ ही इस आईसी को जोड़ा गया है ताकि जब भी इस सेक्शन के अंदर कोई भी फ्लैक्चुएशन होती है, वोल्ट ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, उसका जो आउटपुट है फीडबैक जिसे हम बोलते हैं वो ऑप्टो कपलर आईसी के द्वारा, 817 IC के द्वारा पिन नंबर जो हमारी 3 है इसके ऊपर दिए जाते हैं। पिन नंबर 4 VCC की पिन होती है, इसको हम इस कैपेसिटर के साथ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है जी, इस कैपेसिटर के साथ भी जोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। तो ये हमारी VCC सप्लाई होती है, जो कि हम एक रजिस्टर के माध्यम से, यहाँ पे आप 1 MΩ के रजिस्टर लगा के पिन नंबर जो 4 है इसके ऊपर VCC वोल्ट दे सकते हैं। तो ये होती है इसको यानी ऑपरेट करने की विधि। अब बात करेंगे जब ये आईसी काम करती है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे जो कलेक्टर पॉइंट है ये सभी जो है पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, 7 और 8, ये हमारे कलेक्टर पॉइंट होते हैं, जो इंटरनल तौर पे आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया गया है उसका ये कलेक्टर पॉइंट है। और एमिटर पॉइंट को ग्राउंड के साथ जोड़ा जाता है, जो हमारा डायरेक्ट जो ग्राउंड है उसके साथ एमिटर को जोड़ा जाता है। और जब ये आईसी ऑपरेट होती है, ऑन होती है, ऑन होने के बाद जो कलेक्टर पिन होती है इसके ऊपर एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं, जिससे ये
यहाँ पे जो हमारा SM ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो ऑन होता है। ऑन होने के बाद यहाँ पे आप देखोगे, कभी भी आप जब सर्किट को आप ऑपरेट करवाएंगे तो जो यहाँ से कलेक्टर पिन है, यहाँ से जब भी फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी तो यहाँ से 700 से लेकर 1000 के करीब करीब यहाँ पे वोल्ट होंगे, 700 से लेकर 1000 के करीब वोल्ट होंगे। जब ये फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है तो ये हमारा SM जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये ऑन होता है। ऑन होने के बाद ये सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर करता है। जब ये ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे डायोड लगा के इसको DC में कन्वर्ट किया जाता है। वो डिपेंड टू सर्किट है भी, वो सर्किट आपने कितने वोल्ट का बनाया गया। तो यहाँ पे ये सर्किट देख सकते हैं आप, 12 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट और 5 एम्पेयर का ये सर्किट बनाया गया है। जब भी ये SM ट्रांसफार्मर यहाँ से वोल्ट पास आउट करेगा तो हमको जो आउटपुट के रूप में 12 वोल्ट और 5 एम्पेयर के अंदर ये करंट हमें देगा, यानी 12 वोल्ट और 5 एम्पेयर का करंट यहाँ से पास आउट होगा। यानी जो हमारी DK106IC लगाई गई है उसे जब भी स्विचिंग होके ये आउटपुट यहाँ पे वोल्ट मिलेंगे हमें प्लस और माइनस के, वो 12 वोल्ट और 5 एम्पेयर का करंट यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। तो ये 12 वोल्ट और 5 एम्पेयर का करंट किसी भी सर्किट के लिए जरूर होता है। लगभग जो हमारे पास जो सर्किट आते हैं, जितने भी सप्लाई के जितने भी सर्किट होते हैं, वो लगभग 12 वोल्ट से लेकर 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 25 एम्पेयर, 40 एम्पेयर तक होते हैं। तो ये जो सप्लाई बनाई गई DK106IC लगाकर, इससे हम 12 वोल्ट और 5 एम्पेयर की सप्लाई प्राप्त करते हैं। तो ये बेसिकली एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं किस तरह इसको डिजाइन किया गया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये जो सिंपल तरीके से डिजाइन किया है, ये ऐसी बेसिकली हमारे पावर सेक्शन, जितने भी पावर सेक्शन लगे हुए हैं सभी के अंदर DK106IC प्रयोग की जाती है, बेसिकली जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं। तो इस तरह से ये ऐसी DK106 काम करती है। इसके अंदर इंटरनल तौर पर सर्किट लगा होता है तो वो काम यानी स्विचिंग का काम करता है, जिससे ये SM ट्रांसफार्मर हमारा ऑन होता है। अब बात करेंगे जो इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल ये IC खराब हो जाए, इसकी जगह पे आप कौन कौन सा नंबर यूज कर सकते हैं उसके बारे में। तो इसके अंदर देख सकते हैं जो DK106 जो IC, इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से है। DK1203, DK124, DK112 और DK125, ये इसके अल्टरनेटिव नंबर है। ये आप अगर 106 IC खराब हो जाए तो उसकी जगह पे ये IC यूज कर सकते हैं। लेकिन एक जो IC आती है वो होती है वाइपर 12, वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको पिन डिटेल जो आपको उसको जो डाटा है वो आपको बताना चाहिए, ताकि उसकी पिन डिटेल को आप चेंज करके इसकी जगह पे यूज कर सकें। तो ये इस IC के एक्चुअल जो अल्टरनेटिव नंबर होते हैं वो है। तो अब बात करेंगे इस IC को चेक करने का मेथड क्या है, किस तरह इस IC को चेक करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आप इस IC को चेक कर सकते हैं। तो ये जो है इस IC का कलेक्टर पॉइंट है, और जो ग्राउंड है वो अमीटर पॉइंट है इसका, अमीटर के साथ जुड़ा होता है। तो अब जब भी आप मल्टीमीटर से इस IC को चेक करेंगे तो कलेक्टर और अमीटर के ऊपर आपने प्रोब रखने, किसी एक पिन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये 5 नंबर है तो इसके ऊपर आपने रेड प्रोब रखी है और यहाँ पे ब्लैक प्रोब रखी है। बस इसका चेक करने का मेथड ये है कि इसके अंदर आपकी बीप शो नहीं होनी चाहिए। अगर बीप शो हो रही है तो ये IC बिल्कुल खराब है, अगर बीप शो नहीं हो रही तो IC ये ओके है। तो ये जो बीप शो है ये पिन नंबर 5 पे, पिन नंबर 6 पे रेड प्रोब रखनी है, उसके बाद 5 नंबर हटाकर, और उसके बाद जब 6 नंबर चेक हो जाए तो 7 नंबर पे रेड प्रोब रखनी है, 7 नंबर चेक हो जाए तो 8 नंबर पे रेड प्रोब रखनी है। तो इस तरह आपने वो एक प्रोब यानी GND पे, पिन नंबर 2 पे, और दूसरी प्रोब है पिन नंबर 5, 6, 7 और 8 पर लगा कर आप चेक करोगे। अगर किसी पिन पे बीप आ रही है तो ये IC खराब है, अगर बीप नहीं आ रही तो ये IC ओके है। इस तरह इस IC को चेक कर सकते। ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि DK106IC के ऊपर थी। अगर इसके बारे में फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस IC का पूरा नाम, उस IC की पिन डिटेल और अपना नाम लिख के आप मुझे कमेंट कीजिए, तो उस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक DK106IC। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।